हेलो फ्रेंड्स, गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं और इन गर्मियों की छुट्टियों को ज़्यादा फनेबल और इन्जॉयबल बनाने के लिए आप जस्ट चिल वाटर पार्क का रुख कर सकते हैं, जो कि मेरे सामने है। और इस वाटर पार्क में चलते हैं। इस वीडियो में मैं यहाँ के टिकट, टाइमिंग, लोकेशन और किन किन राइडों को आप इंजॉय कर सकते हैं, इन सब के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वैसे तो दिल्ली NCR में काफ़ी सारे वाटर पार्क्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बट इसकी लो कॉस्ट स्पेशलिटी इसको अन्य वाटर पार्क से अलग करती है। मेक श्योर, अगर आप जस्ट चिल वाटर पार्क घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी अफोर्डेबल डील हो सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दिल्ली ही नहीं रेस्ट ऑफ इंडिया की भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अपने इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, बात करें इस पार्क के लोकेशन की, तो ये मेन GT करनाल रोड पर नियर GTB मेमोरियल सिंधु बॉर्डर के पास इसकी लोकेशन मिल जाएगी और सामने ये जस्ट चिल वाटर पार्क है। सामने एक आपको कंगारू का स्टैचू देखने के लिए मिल जाएगा और यही इसका मेन एंट्री गेट्स है। तो दोस्तों, ये जस्ट चिल वाटर पार्क का पार्किंग एरिया है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है और यहाँ पर अपनी गाड़ी या बाइक को आप पार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट लेकर अंदर एंट्री कर सकते हैं। और टिकट्स के रेट्स इस प्रकार हैं। मंडे टू फ्राइडे 500 पर पर्सन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, और सैटरडे संडे में ये वेरी करके 600 हो जाता है। स्टैग एंट्री ₹800 से स्टार्ट्स है। अगर कोई साथ में सीनियर सिटीजन है तो वो भी ₹500 का टिकट्स है। 4x6 से ज़्यादा हाइट्स के बच्चों को फुल टिकट लेना पड़ेगा। तो देरी ना करते हुए करते हैं वाटर पार्क के अंदर एंट्री और इंजॉय करते हैं इसकी 10 से भी ज़्यादा इस किस्म की वाटर राइड्स को। यहाँ से आप लॉकर और कॉस्ट्यूम ले सकते हैं, जिसका कि ₹100 ईच चार्ज किया जाता है और ₹200 एज ए सिक्योरिटी जमा किया जाता है, जिसको कि आप बाद में रिफंड ले सकते हैं। अभी मैंने पीछे से कॉस्ट्यूम और लॉकर की ले ली है, जो मेरे को ₹100 ईच पड़े हैं, और अभी कॉस्ट्यूम चेंज करके इंजॉय करने की तैयारी है। ये है अब जेंट्स चेंजिंग रूम और यहाँ पर जाकर चेंज करने वाले हैं अभी जाकर। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, साथ में छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी छोटी राइड्स अवेलेबल हैं जिनको आप एंजॉय कर सकते हैं। लग रहा है भैया रहा है यहाँ पर आकर बढ़िया भाई जी, बस यहाँ पे थोड़ी स्लाइड कम है। अच्छा, इससे और मजा रहा है, फुल फुल मजा है। वैसे दो तीन स्लाइड ऐसी है थोड़ी खतरनाक सी है। अभी ये सबसे ऊंची वाली स्लाइड है, इस पर राइड करने वाले हैं। देखो कैसा लगता है आगे। ऊपर टॉप से वाटर पार्क का व्यू बड़ा ही सुंदर और जबरदस्त नजर आ रहा है।
वाटर पार्क को एंजॉय करते करते अगर आपको भूख लगी है तो यहाँ पर फूड का भी अरेंजमेंट है, जहाँ से आप खाना खा सकते हैं और फूड के चार्ज भी काफ़ी डिसेंट ही हैं, तो आप खाने को भी एंजॉय कर सकते हैं। अभी 3 बजने वाले हैं और सभी लोग वेव पूल का वेट कर रहे हैं, वेव पूल आने वाली है तो वेव के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं सभी लोग। अगर आप चाहें तो इस तरह के स्पाइडर मैन्स के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं और ये काफ़ी कूल लगता है देखने में। अगर आप यहां पर आकर वाटर राइड से थक गए हैं तो इवनिंग के टाइम पर अम्यूजमेंट पार्क का भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें 3 से 4 राइड अभी ओपन है, जिसमें सबसे पहली राइड है स्विंग चेयर। जो अभी अम्यूजमेंट पार्क की जो राइड हो रही है इसका नाम है स्विंग चेयर और ये बड़ी ज़बरदस्त राइड है और हर तरह की राइड है। नेक्स्ट जो राइड इस अम्यूजमेंट पार्क में आप कर सकते हैं उसका नाम है कोलम्बस और यह भी काफ़ी मज़ेदार राइड है, इस पर आप 5 से 10 मिनट एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर रहकर। यहाँ पर आप छोटे छोटे बच्चों की काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि टार्जन जिपलाइन और ये यहाँ पर जिपलाइन हो रही है जिससे बच्चे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कई सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी इस राइड को जो आप देख रहे हैं, इस राइड का नाम है कैटरपिलर और ये छोटे बच्चों की राइड है, इसमें ये गोल गोल घूमती है और काफ़ी एंजॉय करते हैं बच्चे इसमें, तो इसमें भी बच्चे काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं और मज़ा कर सकते हैं यहाँ पर आकर। इस राइड का नाम कमांडो क्राउल है और यहाँ पर भी कुछ एंजॉयमेंट किया जा सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो जस्ट चिल वाटर पार्क एक पैसा वसूल वाटर पार्क है, जहां पर आप वाटर पार्क के अलावा अम्यूजमेंट राइड्स का भी मज़ा ले सकते हैं। सो एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए।